पंजाब की 117 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए वोटिंग जारी है। सोनू सूद की बहन मालविका कांग्रेस की टिकट पर मोगा से चुनाव लड़ रही है। अभिनेता सोनू सूद अपनी बहन के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पंजाब आए हुए हैं। इसी बीच वोटिंग के दौरान आज सोनू सूद एक पोलिंग बूथ पर जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया। दरअसल सोनू सूद पर पोलिंग बूथों में जाने का आरोप है। अकाली दल की शिकायत पर ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए, जिसके बाद मोगा पुलिस ने एक्शन लिया है। अकाली दल ने सोनू सूद की अपने बूथ के अलावा दूसरे बूथों में जाने की शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद ही चुनाव आयोग ने सोनू के खिलाफ कार्रवाई की। सोनू सूद को दूसरी गाड़ी से रवाना होना पड़ा। पुलिस ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर कार को जब्त कर लिया गया है। साथ ही एसडीएम अधिकारी सतवंत सिंह ने सोनू सूद के घर की वीडियो सर्विलांस करने के भी निर्देश दिए हैं। शिकायत बाकायदा जा चुकी है, मैंने एसएसपी साहब को भी शिकायत लगा दी है। हमने देखा कि बहुत सारे जो हमारे बूथ से वहाँ जाके जो ऑपोजिशन वाले लोग हैं, स्पेशली अकाली दल के लोग, बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स वगैरह देखे आए और बहुत सारे अभी बूथ पे पैसे वगैरह भी बांटे जा रहे हैं। तो अब हमारा फ़र्ज बनता है जाके देखें और फिर इलेक्शन करवाया जाए, तो उसी के लिए बाहर गए थे। और ऑब्वियसली हम लोग घर पे ही हैं, सो दैट्स व्हाट द फैक्ट इज। बट सैड चीज़ ये रहती है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। आप पैसे की मदद लेके या मसल पार की मदद लेके जब आप कराते हो तो दैट सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज। वहीं इस पूरे मामले पर सोनू सूद ने सफाई पेश की है। सोनू सूद ने कहा, हमें विपक्ष खासकर अकाली दल के लोगों द्वारा विभिन्न बूथों से धमकी भरे कॉलों के बारे में पता चला था। वहीं कुछ बूथों पर पैसे बांटे जा रहे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम जांच करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।